नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के अस्थि कलश का आज विसर्जन किया गया। उनके पिता जो है दिग्गा घाट पहुंचे, वहां पर नाव पे सवार होकर उसके बाद बीच नदी में जाकर के उनके अस्थि कलश का विसर्जन किया गया है। इस पूरे मौके पर उनके परिवार के सदस्य मौजूद थे। इस दरमियान उनके पिता के अलावा उनकी बहन, उनके बहनोई सभी लोग मौजूद थे और नम आंखों से एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत को याद किया गया। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार मुंबई में किया गया था। विले पार्ले स्थित शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया था, जिसमें मुखाग्नि उनके पिता ने दी थी। और जब से ये खबर आई है, जब से उनका अंतिम संस्कार हुआ है, उसके बाद से ही जो उनके पिता हैं उनकी तबीयत भी काफ़ी बिगड़ती हुई दिख रही है। उनके पिता जो हैं सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पूरे परिवार वालों के लिए ये एक बहुत ही विषम परिस्थिति है और गंभीर परिस्थिति उन लोगों के लिए, इसलिए क्योंकि ऐसा एक वक्त था जब इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत उनके पिता को सहारा देते, तो ऐसे वक्त में वो दुनिया को छोड़कर चले गए। तो उनके पिता के लिए, उनके परिवार के लिए दुखों का बिल्कुल एक पहाड़ टूट पड़ा है और ऐसे वक्त में वो सभी लोग ढांढस बंधाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसी दरमियान जो रिचुअल्स हैं उसको भी फॉलो किया जा रहा है और उनके अस्थि कलश का आज विसर्जन दिग्घा घाट पर किया गया। 14 जून को दोपहर 12 बजे के करीब सुशांत सिंह राजपूत ने अपने मुंबई स्थित आवास पर फंदे से लटक कर जान दे दी थी, जिसके बाद से जो ये सुसाइड का मामला है वो अब पुलिस के हाथों में है और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस वजह से और किस कारण से उन्होंने सुसाइड किया है। इसको लेकर के बहुत सारे खुलासे भी धीरे धीरे हो रहे हैं और बहुत सारी बातें भी सामने आ रही हैं। बॉलीवुड के कुछ स्टार्स जो हैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़े हुए दिखे, उन सब ने ये आरोप बॉलीवुड पर ही लगाया कि बॉलीवुड की तरफ से जो है सही तरीके से व्यवहार नहीं किया जाता था सुशांत सिंह राजपूत के साथ, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान चल रहे थे। हालांकि अब ये जांच का विषय बना हुआ है और ये जानने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। उन तमाम लोगों से बातचीत पूछताछ की जा रही है जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के करीबी हैं और ये जानने की कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन इसी दौरान जो उनके पूरे परिवार हैं वो सभी लोग बिल्कुल सदमे में हैं और अभी तक सदमे से उबर भी नहीं पाए हैं। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।